कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है ना, यानी एक तरह से कि हमारे बंदे उठा लिए गए हैं, हमारे धांधली हो गई है, एक परेशान मियां साहब हैं, वापस वो आ नहीं रहे। ये बिल्कुल मियां साहब का इरादा था कि वो वापस आए, जी लेकिन फिर शाहिद इरादा खाकान बदल गया। अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अंदर प्राइम मिनिस्टीरियल लुक आ रही है। जो मैंने कहा था ना, शायद अगर बेगम कुलसूम नवाज जीत भी गई तो शाहिद खाकान अब्बासी रिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है, वो रिजाइन नहीं करने जा रहे। और उन्होंने एक और बड़ा कमाल किया है, उन्होंने एक आदमी को खुडेने लगा दी है, और वो आदमी जो है वो परेशान घूम रहा है, और उस आदमी का नाम है फवाद हसन फवाद। ये बहुत बड़ा काम किया है। वो फवाद हसन फवाद ने अपना एक बोर्ड बुलाया हुआ था, तरक्कियाती बोर्ड नहीं, तरक्की देके, वो बोर्ड का इजलास ही नहीं हुआ, शायद चले गए बाहर। उन्होंने कहा क्या, अच्छा वो शायद खाकान अब्बासी जो ना, वो मतलब उनका वो LNG या बाकी मामला उनके जो भी हैं, जी लेकिन वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक अंदाज में, कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्यों भाई, ये आप क्यों कह रहे हैं, क्यों भाई? वो शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टीरियल, उनके अंदर वो लुक्स आनी शुरू हो गई है कि स्टैंड्स ले वो चुके हैं। वाकई, वो वाकई वजीर आजम के तौर पर जो है ना, वो वाकई वजीर आजम, ठीक है ना। जी और उन्होंने इसहाक डार को भी खुडेलने लगा दिया, और वो जब जगह लगी, जगह तो बन गई ना। इसहाक डार तो एक, मैंने आपसे कहा ना, एक वो कल भी कहा था, मुसम्मी में से जूस जैसे निकालो। इसहाक डार की भी लंदन में शुगर शक्ल नहीं देखी। इसहाक डार तो परेशान है, वो क्या देखिए ना, मियां साहब वापिस नहीं आते, इसहाक डार को तो आना पड़ेगा। तो इसहाक डार यहां जाकर क्या करेगा 20 तारीख को? इसहाक डार साहब मोहतरम, वो क्या वादा माफ भरेंगे, क्या करेंगे अकेले इसहाक डार?